मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रेजरी मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये फ्लोट का कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि इस कॉन्सेप्ट को कहीं कवर कराया जाता है। चलिए अच्छी तरह से समझे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट आपको पता होना चाहिए। चलिए, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोट विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ कैश। द टर्म ऑफ फ्लोट इज रेफर टू द पीरियड दैट अफेक्ट कैश एच इट मूव्स थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ द कलेक्शन प्रोसेस। फोर काइंड ऑफ फ्लोट विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ कैश आर, नंबर वन, बिलिंग फ्लोट। एन इनवॉइस इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट इज अ सेलर प्रिपेयर्स एंड सेंड्स टू द परचेजर एज द पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। द टाइम बिटवीन द सेल्स एंड मेलिंग ऑफ द इनवॉइस इज द बिलिंग फ्लोट। ओके, मेल फ्लोट। This is the time when a check is being processed by post office service or other means of services. तीसरा है check processing float. This is the time required for the seller to sort, record and deposit the check after it has been received by the company. And number fourth, banking processing float. This is the time where from the deposit of the check to the credit of the funds to the, in the seller's account. Friends, अब आप देखिए float का मतलब है gap. कि कितने दिन का टाइम लगता है। बिलिंग फ्लोट में आपने सेल कर दी आज, लेकिन इनवॉइस आपने मेल नहीं की, भेजी नहीं है, तो वो बिलिंग फ्लोट है। मेल फ्लोट का मतलब है जो आपने चेक आया, आपने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, आपके पास दो दिन बाद आया। हमारे पास दो दिन बाद जब चेक रिसीव हुआ, फिर हमने एक दिन लगा दिया उसे बैंक में जमा कराने के लिए, तो ये चेक प्रोसेसिंग फ्लोट है। बैंक में जमा होने के बाद उसने बेसिकली बैंक ने क्लियरिंग में दो तीन दिन लगा दिए, वो आपका बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट है। तो फ्रेंड, हम इसकी एक प्रॉब्लम करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम देखिए कि दिखने में थोड़ी बड़ी लगेगी, बट एक्चुअली में ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। चलिए ध्यान से पढ़ें। पहले प्राची लिमिटेड is a manufacturing company producing and selling a range of clearing funds, range of cleaning products to wholesale customers. It has three supplier and two customer. Prachi Limited relies on its clear fund for the forecast to manage its cash. You are an accounting technician of the company and have been asked to prepare a clear fund forecast for the period Monday 7th January to Friday 10th January 11th January 2014, you have been provided with the following information. तो फ्रेंड, हमको एक क्लियर फंड, कितना पैसा आपके पास होगा ये बनाने के लिए बोला है। कई लोगों ने तो ये पहले कभी सुना भी नहीं होगा, बट ये इंस्टीट्यूट बनवाता है। तो अब हमें बनाना है क्लियर फंड फोरकास्ट। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से पैसे कब कब रहेंगे। ये 7th जनवरी 14 है, ये 8th जनवरी 14, 9th जनवरी 14, 10th जनवरी 14, 11th जनवरी 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिसीट्स। ठीक है ना, फिर यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट्स, जो सारी पेमेंट्स हैं वो लिख देंगे। सो ये हमारे पास बचेगा जो मेरे पास अवेलेबल है, एक्सेस ऑफ रिसीट
ओवर पेमेंट, ठीक है जी। अब आपके पास क्लियर फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखा जाएगा, तो ये हमारा क्लियर फंड का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, जस्ट लाइक एज अ कैश बजट जो बनाते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन के लिए हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे, वो है अनक्लियर्ड फंड। जिसमें से रिसीट का और पेमेंट का हम ये अनक्लियर्ड फंड लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा टोटल बैलेंस या नेट बैलेंस। सो बैलेंस एज पर बुक्स, ठीक है। चलिए समझाते हैं। रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर डब्ल्यू लिमिटेड से जो टर्म्स हैं हमारी वो एक महीने की हैं, तो 7 दिसंबर को हमें जो पैसा मिलेगा, 7 जनवरी की जो सेल हुई है वो हमें मिलेगा 7 फरवरी को, तो 7 जनवरी को तो हमें जो पैसा मिलेगा वो 7 दिसंबर वाला पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, रिसीप्ट ऑफ मनी बाय BACS इज इंस्टॉल NACS इमीडिएटली आ जाती है। एक्स लिमिटेड का चेक जो है विल बी पेड इनटू प्राचीज लिमिटेड बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे एज द सेल इज मेड एंड विल क्लियर ऑन द 3rd डे। हमें जिस दिन सेल हम करेंगे उसी दिन जमा कर देंगे, लेकिन क्लियर होगा 3rd डे पे। चलिए समझाता हूँ उसको। पहले तो ये देखें कि रिसीट में हमें कौन सा रिसीट होगा। यहाँ पर डब्ल्यू लिमिटेड से हमें आ जाएगा 7 जनवरी को 130,000। ये कौन सा, 7 दिसंबर 13 वाली जो सेल है उसका पैसा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स लिमिटेड का जो चेक है वो हमारे पास आएगा। अब देखिए इसमें कोई टर्म्स नहीं है, यानी कि जिस महीने की सेल है उसी का पैसा आ जाएगा। तो एक्स लिमिटेड का चेक हमारे पास 180,000 का 7 जनवरी को ही आ जाएगा और ये बैंक में जमा हो जाएगा, और बैंक में जमा हो जाएगा सेम डे, लेकिन ये क्लियर होगा 3rd दिन। तो अगर बैंक में जमा हो जाएगा सेम डे तो ये हमारा रिसीट वाले फ्लोट में खड़ा हो जाएगा। ये कौन सा वाला, जो रिसीट का फ्लोट है एक्स लिमिटेड वाला, उसमें खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये 3rd दिन क्लियर होगा, यानी कि 8 तारीख को भी ये यहाँ रहेगा, 9 तारीख को भी यहाँ रहेगा और 10 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक्स लिमिटेड से पैसा आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पेमेंट की बात करते हैं। ए लिमिटेड से हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है। 1 कैलेंडर मंथ का पेमेंट है जो हम देते हैं। पढ़िए क्या लिखा, प्राची लिमिटेड हैज सेट अप अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर 45,000 a month टू पे फॉर सप्लायर्स ऑफ ए लिमिटेड। दिस विल लीव प्राची लिमिटेड अकाउंट ऑन 7th जनवरी।
Every few months, an adjustment is made to reflect the actual cost of supply mates. You do not have to make this adjustment. अब हमें ए में ये बता दिया कि आपने 45,000 रुपये ए लिमिटेड को देने हैं. सो ए लिमिटेड को हम 45,000 हमारे यहाँ से 7 जनवरी को चले जाएंगे. ये हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है इनको, ठीक है जी. अब बी लिमिटेड और सी लिमिटेड की बात करते हैं. बी लिमिटेड ने 2 मंथ कैलेंडर मंथ का टाइम दिया है. तो प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट चेक्स टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड ऑन 7th January. द बैंक अमाउंट विल लीव इट्स बैंक अकाउंट ऑन द 2nd day फॉलोइंग दिस. मतलब जिस दिन हम जमा कर रहे हैं उसके 2 दिन बाद. तो ये फ्लोट में जाएगा पेमेंट की. तो देखिए अब किस किस को जा रहा है चेक पेमेंट वाला, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को. तो बी का चेक कितना है? बी का चेक तो होगा 75,000 का और सी का चेक होगा 95,000 का. तो 1,70,000 का फ्लोट इस दिन तो हमने पोस्ट किया है. और फिर यहां पर चला जाएगा वो तो ये बी लिमिटेड और ये सी लिमिटेड, ठीक है. ये पेमेंट हो गई. चलिए आगे पढ़े. अब पहला एडजस्टमेंट पूरा हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट पूरा हो गया, अब तीसरा एडजस्टमेंट पढ़े. क्वेश्चन अच्छा है. वेजेज एंड सैलरीज. फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेजेस वीकली. दिस विल बी पेड 1 week वेज ऑन 11th January फॉर द लास्ट वीक्स वर्क डन इन दिसंबर. तो अब आप देखिए दिसंबर में जो काम किया है इन्होंने उसकी वेजेज हम 11 तारीख को पे करेंगे. तो वेजेज हमारी दिसंबर की, जो दिसंबर वीक की वेजेज हैं वो हैं 12,000. वो हमारी जनवरी में पेमेंट हो जाएंगी. देख रही है, जनवरी की वेजेस फरवरी में पेमेंट होंगी. तो वेजेस 11 जनवरी की है, ये पे हो जाएगी. दिसंबर वीक की वेजेस हैं ये, ठीक है. चलिए आगे पढ़ें. इसके बाद क्या है, ऑल द ऑफिस वर्कर आर पेड सैलरी मंथली फॉर दिसंबर विल बी पेड ऑन 7th. तो दिसंबर की जो सैलरी है 56,000 वो 7 तारीख को पे कर दी जाएगी. तो 7 तारीख का मतलब है ये दिसंबर की सैलरी पे हो गई 7 जनवरी को. चलिए आगे देखें. अब हमारा 1, 2, 3 पूरा हो गया है. अब 4 देखें. अदर मिसलेनियस पेमेंट. एवरी मंडे मॉर्निंग द पेटी कैशियर विदड्रॉ ₹200 फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट, ठीक है. फॉर द पेटी कैश द मनी लीव्स प्राची बैंक अकाउंट स्ट्रेट वे. तो ये तो उसने ₹200 इमीडिएटली निकाल लिए पेटी कैश के लिए. आगे देखें. द रूम क्लीनर इज पेड ₹30 फ्रॉम द पेटी कैश एवरी वेनेसडे मॉर्निंग. तो पेटी कैश से जाएगा वो, हमारे इसमें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है. ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर बाय टेलीफोन ऑन ट्यूजडे 8th January टू वैल्यू ऑफ ₹300. दिस इज पेड फॉर बाय कंपनीज डेबिट कार्ड. सच पेमेंट आर जनरली सीन टू लीव द बैंक अकाउंट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे. हमारे यहाँ से अगले दिन निकलेगा, ठीक है. तो ये कब लिया इन्होंने? ट्यूसडे 8 जनवरी को लिया, ठीक है. तो 8 जनवरी को हमारी बुक्स में तो एंट्री हो ही जाएगी ना. तो
₹300 की स्टेशनरी की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये ₹300 9 तारीख को हमारे स्टेशनरी खाते से चले जाएंगे। आगे देखें, 5 न्यू सॉफ्टवेयर विल बी ऑर्डर ओवर द इंटरनेट ऑन 10th जनवरी, टोटल कॉस्ट है ₹6,500। अ चेक विल बी सेंट आउट ऑन द सेम डे चेक दे दिया जाएगा 10 जनवरी को। दिस अमाउंट विल लीव प्राची अकाउंट ऑन द सेकेंड डे फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर की जो पेमेंट है उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6500 का ये चेक हमारा इशू हो जाएगा, तो ये फ्लोट में रहेगा हमारे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की पेमेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़े। अदर इंफॉर्मेशन, द बैलेंस ऑन द प्राचीज बैंक अकाउंट विल बी 2 लाख, दिस रिप्रेजेंट बोथ बैंक बैलेंस एंड क्लियर्ड फंड्स। ठीक है, हमारे पास 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था 7 जनवरी को। ठीक है, अब आप देखिए, ये मेरा 1,30,000 है और इसका टोटल आएगा हमारा 101,200, तो 28,800, 2,28,800। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा 2,00,000, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, 2,28,800, 2,28,800, 2,28,800 ये ओपनिंग हो गया। अब यहाँ पे रिसीट कुछ नहीं है, पेमेंट्स में आपका जो है वो कितना है 1,70,300, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,70,300, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा 58,500। रिसीट्स हमारी यहाँ पर हो जाएंगी 1,80,000 की, पेमेंट हमारी कुछ है नहीं, तो रिसीट्स आएंगी 1,80,000, 58,500 टू 2,38,500। रिसीट्स कुछ नहीं है, पेमेंट आपकी 12,000 है, तो 12,000 का नेगेटिव एडजस्टमेंट 2,38,500, 2,26,500। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ क्लियर्ड फंड जो बैंक से एक तरह से बैंक में है, और ये अंडर क्लियरिंग है, तो नेट अगर इसको करेंगे तो ये 10,000 रुपये निकलती है, तो इसका मतलब मेरी बुक्स में बैंक बैलेंस 10,000 ज़्यादा दिख रहा होगा। ये 9,700, ठीक है ना, और ये 1,80,000, तो 2,38,500, और माइनस 6,500, तो 2,32,000, और माइनस 6,500, तो 2,20,000। तो फ्रेंड्स, ये अब आपका एच पर कैश बुक आ जाएगा, और ये है जो आपका एक्चुअल में बैंक में बैलेंस है। तो फ्रेंड, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एग्ज़ाम में आता है, आया नहीं है, बट अगर मैं एग्ज़ामिनर हूँ तो मैं ऐसा क्वेश्चन ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड डे।